अस्सलाम वालेकुम बबर्स, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सीवीटी गियर के बारे में। सीवीटी गियर मीन कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये कहाँ लगा होता है? ये इंजन के बिल्कुल ही साथ लगा होता है। इन ये गियर का क्या काम होता है? तो बेसिकली ये इंजन की ताकत को फील्ड तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? इसका एक अपना ECM होता है। अगर इसमें झटका आ जाए तो किसका मसला होता है? अगर ये PR&D शिफ्ट ना करे तो किस चीज़ का मसला होता है? तो पहले मैंने पिछली वीडियोस में मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में बात की थी, तो ऑटो ट्रांसमिशन के बारे में भी बात की थी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सीवीटी गियर के बारे में। तो सीवीटी गियर का पूरा नाम है कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो इसमें कौन सा फ्लूइड डलता है? तो चलते हैं वीडियोस की जानते। तो ये जो हमारा सीवीटी गियर होता है इसमें तकरीबन गाड़ी 1,00,000 या 80,000 तक चल सकती है इसके पहले फ्लूड में। तो जो दूसरा फ्लूड होता है उसमें जेनुइन फ्लूड डलना चाहिए। तो बेसिकली लोग इसको गियर ऑयल कहते हैं। तो ये गियर ऑयल नहीं, ये गियर ATF फ्लूड होता है। तो ये बात पहले पिछली वीडियो में मैंने क्लियर की थी कि जो भी गाड़ी है मैनुअल ट्रांसमिशन है या ट्रांसमिशन है उसमें उसका गियर ऑयल पूरा होना चाहिए। अगर गियर ऑयल ना हो तो इसकी गाड़ियों का मसला आ सकता है, गाड़ियाँ गिर सकती हैं, जिससे कि सुरमा नुमा शक्ल में ऑयल के अंदर एक चीज़ बन जाती है जिससे हमारा ऑयल भी गंदा हो जाता है और गाड़ियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं, हमारे गियर को काम लग जाता है। तो बेसिकली हमारा जो ऑटो ट्रांसमिशन है उसमें गाड़ियाँ लगी होती हैं। तो ये जो हमारा CVT गियर है इसमें एक टर्बाइन बेल्ट चलती है जो कि CVT गियर को घुमाने में इस्तेमाल होती है। तो ये जो हमारा ये CVT गियर है इसका एक अलग ECM होता है जो कि CVT गियर को कंट्रोल करता है कि यहाँ पे हमारा गियर काम करना चाहिए, यहाँ पे किस सेंसर का मसला आ रहा है, ये कहाँ पे, यहाँ पे हमारा CVT गियर यहाँ पे मसला कर रहा है। तो इसका एक अलग ECM होता है जिसको हम TCM बोलते हैं। तो अगर तो गाड़ी में 3 तरह के सेंसर लगे होते हैं, 4 तरह के। एक होता है हमारा टर्बाइन सेंसर, एक होता है हमारा इनपुट स्पीड सेंसर, एक होता है हमारा आउटपुट स्पीड सेंसर। तो चौथा हमारा स्पीड सेंसर होता है वो होता है प्रेशर सेंसर जो कि गियर के ऊपर लगा होता है, जो कि गियर की टेम्परेचर को बताता है गाड़ी के अंदर। तो बाज़ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें चेक लाइट भी गियर के साथ लगी होती है, अगर गियर पर कोई मसला आ जाए तो वो भी चेक लाइट ऑन करती है। तो वरना कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अप मॉडल्स में आ रही हैं उनमें गियर की लाइट अलग होती है, जैसे कि हमारी गाड़ियाँ हैं कुछ गाड़ियाँ अप मॉडल्स में। पहली हमारी गाड़ी है होंडा विजल, दूसरी सिविक, इनमें बहुत से मसले हैं। तो ये वैसे तो ऑटो ट्रांसमिशन होते हैं, तो इनमें ऐसा होता है कि अगर हमारे होंडा विजल में आप कैसे चेक कर सकते हैं आपको गियर ऑयल यहाँ पे कम है या यहाँ पे आपका गियर ऑयल पूरा है? तो ये जो हमारी होंडा विजल है उसके गियर के ऊपर 2 बोतलें लगी होती हैं। तो वहाँ पे अगर आप जाकर देखें उनके ढक्कन को खोलने के बाद उनमें अगर गियर ऑयल कम हो तो आप ये ना समझें कि इसमें गियर ऑयल कम है, तो आप ये सोचें उसके गियर को काम रखना शुरू हो गया है। कैसे? अगर इसके गियर के क्लच लीक हो तो इसके गियर ऑयल कम हो सकता है। तो जैसे हमारी स्विक है तो उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इनके जो हम गियर ऑयल चेंज नहीं करवाते, गियर ऑयल चल चल कर इसकी गाड़ियाँ खींचना शुरू हो जाती हैं तो इसके सेंसरों पर कचरा आ जाता है। तो जैसे ही इसके सेंसरों पर कचरा आता है ये ECM को ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं करते तो उसको सिग्नल डाउन मिलता है ECM को, तो वो उसी तरीके से फिर ऑपरेट कराता है, इसके गियर में झटका आ जाता है। तो कोई भी गाड़ी हो अगर उसके गियर को काम लग गया हो तो उसका डी शिफ्ट नहीं करेगा, रिवर्स जरूर शिफ्ट करेगा क्यों वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो इसके डी वाले पॉइंट को काम लग गया हो तो बात गाड़ियाँ ऐसी होती हैं उसी जगह पे जाम हो जाती हैं गियर ऑयल ना चेंज करने की वजह से। तो इसका गियर ऑयल कब चेंज होता है? CVT गाड़ी का गियर तो बात सब ख़राब हो गया हो तभी चेंज होता है, इसके फ्लूड को कब चेंज करना चाहिए? तो इसके गियर ऑयल को चेंज करना चाहिए तकरीबन 1,00,000 या 80,000 के करीब। तो इसमें ATF फ्लूड जेन्युइन ही डलना चाहिए। बाद ऐसे लोग होते हैं जो कि गाड़ी का काम भी करवाते हैं तो उसमें मसला आ जाता है, तो
मैकेनिक ने पूरी दिहाड़ी भी इसको यूज़ की हो और बाद में काम भी ना हो, फिर वो आपस में बदजन होते हैं, उनमें लड़ाइयाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उसमें गियर ऑयल कैसे डालना चाहिए। तो अगर उसमें गियर ऑयल ख़राब हो, पहले तो बात यहाँ पर क्लियर होती है कि उसमें उसको गियर ऑयल जेन्युइन डालना चाहिए ATF अच्छे वाला। तो अगर उसमें ख़राब गियर ऑयल डल गया हो तो उसकी गाड़ी का गियर में झटका आ जाएगा, तो उसके गियर को ख़राब होने का भी मसला आ सकता है। तो यहाँ पे हमारी बात क्लियर होती है कि इसमें गियर ऑयल कितना डलना चाहिए। तो वो पहले ही कंपनी की तरफ से बोतल जो मौजूद होती है उसमें लिखा होता है इसमें कितना डलना चाहिए कितना नहीं डलना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा हो तो आप बोतल के साइड पर देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा होता है। तो ये जो ख़राब होता है, तो बाद दफ़ा ये जो ATF है इसमें वॉल बॉडीज लगी होती हैं, ये हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो आपको ये चेक करना होगा अगर आपका डी शिफ्ट नहीं कर रहा, आपके कौन से सोलेनोइड का कोड आ रहा है, तो आप इसके चैम्बर को खोलेंगे तो आपको इसके नीचे वॉल बॉडीज मौजूद होंगी, नज़र आएंगी। तो वो आप उसको भी चेक कर सकते हैं अगर किसी सोलेनोइड का कोड आ रहा हो। अगर तो इसके प्रेशर सेंसर का कोड आ रहा हो तो आप उसके भी ग्रिप उतार कर देख सकते हैं। बाज़ गाड़ियों में प्रेशर सेंसर का मसला आता ही नहीं है, तो इसकी तार वगैरह टूट जाती है तो ये मसला कर देता है। तो अगर इसका प्रेशर सेंसर शार्ट हो तो गाड़ी अजीब सी हरकतें करना शुरू हो जाती है। तो मेरा आपको बताने का मकसद यह है कि आपको पता होना चाहिए CVT गियर का भी अपना एक ECM होता है जो कि गियर को ऑपरेट करवाता है गाड़ी के झटके ना आने पर। तो यहाँ पे बात क्लियर होती है हमारे CVT गियर के बारे में। तो उम्मीद है कि मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में मज़ीद बता सकूँ कि ये इनमें कैसे कैसे मसले आ रहे हैं, कौन सी गाड़ी में कितना मसला आ रहा है, इसको कैसे चलाना चाहिए गाड़ी को। तो गाड़ी को बेसिकली जो ऑटो गाड़ी होती है वो डी पर यूज़ होती है, ज़्यादा रिवर्स पर तो यूज़ नहीं होती। तो जब भी गाड़ी का गियर ख़राब होता है तो उसका आर रिवर्स चल सकता है, ड्राइव नहीं चल सकता। तो बात यहाँ पे क्लियर है। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।